नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने लॉन्च किया मिशन भागीरथ प्रोजेक्ट। जीएसटी पर समर्थन करने के लिए चंद्रशेखर राव और पार्टी को दिया धन्यवाद। कहा केंद्र और राज्य साथ मिलकर देश को पहुंचाएंगे नई ऊंचाइयों पर। गुजरात को 3 साल में मिला तीसरा सीएम। विजय रूपानी ने ली शपथ। पटेल कम्युनिटी से बने 8 मंत्री 9 को कैबिनेट से किए गए बाहर। पीएम मोदी ने आनंदीबेन पटेल की तारीफ। राजनाथ के कड़े तेवर के बाद कश्मीर पर पाक का नया पैंतरा। नवाज शरीफ ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से की अपील, मांगी घायल कश्मीरियों के इलाज करने की अनुमति। मायावती को अपशब्द कहने वाले दयाशंकर सिंह मऊ जेल से रिहा। रिहा होने पर दयाशंकर सिंह हुए भावुक। कहा पहले बेटी से मिलूंगा फिर लड़ूंगा आगे की लड़ाई। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का हेल्थ बुलेटिन जारी। सेहत में हो रहा सुधार। सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। वाराणसी में रैली के दौरान बिगड़ी थी तबीयत। और अब एक नजर आज की 5 बड़ी खबरों पर। विजय रूपाणी ने गांधीनगर गुजरात के सीएम पद की शपथ ली। उन्होंने गुजराती में शपथ ली। गवर्नर ओपी कोहली पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद डिप्टी सीएम के रूप में नितिन पटेल ने शपथ ली। सौरभ पटेल समेत 9 मंत्रियों को हटाया गया। पटेल कम्युनिटी से 8 मंत्री और 16 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। गृह मंत्री रही रजनी पटेल की कैबिनेट से छुट्टी हुई है। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। बता दें कि 1 अगस्त को आनंदीबेन ने फेसबुक पर इस्तीफे का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही गुजरात के नए सीएम को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था। लोकसभा में सोमवार को जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा और कांग्रेस ने इसे ध्यान में रखते हुए अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी पुष्टि की है। कांग्रेस ने विधेयक का समर्थन किया और सिंधिया का कहना है कि सरकार के लिए किसी तरह से कर की अधिकतम दर तय करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा हम संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, ये इसके गुण दोषों के आधार पर है। जीएसटी देश के लिए महत्वपूर्ण है। पार्टी संशोधनों के साथ विधेयक का समर्थन करेगी, जिन्हें लेकर सत्तारूढ़ पार्टी ने हमें आश्वस्त किया है। समाजवादी पार्टी के विधायक आबिद रजा ने बदायूं से अपनी ही पार्टी के एक बड़े नेता पर गोहत्या और अवैध खनन में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने इस नेता से जान का खतरा भी बताया। इसके बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिला कार्यकारिणी बदायूं के प्रस्ताव पर विचार करते हुए विधायक आबिद रजा को पार्टी और विधानसभा मंडल दल से निलंबित कर दिया। सपा की बदायूं जिला कार्यकारिणी की 6 अगस्त 2016 की बैठक में आबिद रजा को पार्टी विरोधी गतिविधियां, अवैध कार्य और पार्टी संगठन के निर्देशों के विपरीत कार्यों में लिप्त होने के कारण कार्यवाही करने का प्रस्ताव किया गया था। 10 दिन जेल काटने के बाद निलंबित बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह सुबह मऊ जेल से जमानत पर रिहा हो गए। जेल से बाहर आते ही बेटी और पत्नी के लिए भावुक हो गए। दयाशंकर सिंह ने कहा कि पहले बीमार पत्नी और बेटी को देखूंगा, तब कोई राजनीतिक बात करूंगा। शनिवार को जमानत का फैसला आते ही दयाशंकर के समर्थक मऊ जेल पर जुटने लगे थे। देर रात रिहाई नहीं हुई थी तो कई समर्थकों ने जेल के बाहर ही रात गुजार दी। सुबह करीब 8 बजे दयाशंकर मऊ जेल से बाहर निकले। जेल के बाहर दयाशंकर के समर्थकों ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारत ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान यात्रा के दौरान पड़ोसी देश को स्पष्ट किया था कि वो आंतरिक मामलों में दखल ना दे, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ का कश्मीर राग जारी है। कश्मीर पर बोले हुए नवाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हुए कहा कि भारत को इसके लिए तैयार किया जाए। नवाज ने कहा कि भारत को कहा जाए कि पाकिस्तान को कश्मीर में घायल लोगों की मदद की अनुमति दे। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खासकर ऐसे लोगों के इलाज में मदद करना चाहता है जो खतरनाक पैलेट गन के इस्तेमाल की वजह से चोटिल हुए हैं। और अब फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। हथकरघा उद्योग के लिए मशहूर शहर भिवंडी में 3 मंजिला एक इमारत ध्वस्त हो गई।
इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि सात अब भी मलबे में फंसे हुए हैं। बचाव कर्मियों ने मलबे से चार व्यक्तियों को बाहर निकाला। अधिकारियों ने बताया कि कुछ और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। एक सप्ताह में शहर में इमारत ध्वस्त होने की दूसरी घटना है। ठाणे नगर निगम में क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख संतोष कदम ने बताया, ये इमारत कल्याण रोड के हनुमान टेकड़ी इलाके में थी और सुबह करीब 8 बजे ध्वस्त हो गई। आशंका है कि 7 या 8 व्यक्ति मलबे में फंसे हुए हैं। गाय के नाम पर देश में राजनीति के 11 महीने बाद पहली बार पीएम मोदी गाय पर बोले। अपने टाउन हॉल कार्यक्रम में 1.5 घंटे के संबोधन के आखिरी वक्त में उन्होंने गाय पर चुप्पी तोड़ी। गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की बात कही, लेकिन हिंदू महासभा पीएम के बयान के खिलाफ खड़ी हो गई है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा ने कहा कि अगर गोरक्षा में कुछ घटनाएं हो जाती है तो मारपीट करने वालों को जेल भी भेजा जाता है, लेकिन 70-80% लोगों को अपराधी कहना गलत है। मुन्ना कुमार ने कहा, 2014 के चुनाव में मोदी ने गोहत्या पर रोक लगाने का वादा किया था, लेकिन गोहत्या बढ़ गई। अगर एक भी गोरक्षक गिरफ्तार हुआ तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। आपको बता दें कि शनिवार को पीएम मोदी ने सीधा संदेश देकर कहा था कि गाय के पीछे अब छुपकर अपराधी नहीं रह पाएंगे। साल 2012 से पाकिस्तान की जेल में बंद हामिद नेहाल अंसारी की मां ने कहा कि भारत सरकार को उनके बेटे को वतन वापस लाने के लिए हर कदम उठाना चाहिए। मुंबई के रहने वाले 31 वर्षीय अंसारी इंजीनियरिंग और प्रबंधन में स्नातक है। एक सैन्य अदालत ने फर्जी पाकिस्तानी पहचान पत्र के मामले में उसे 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। उसकी मां ने पाकिस्तान सरकार से भी हामिद के लिए दया की भीख मांगते हुए बेटे को जल्द से जल्द वतन वापस भेजने की बात कही है। वहीं सुषमा ने ट्वीट कर कहा, मैं ये खबर पढ़कर काफी आहत हुई हूँ कि हामिद अंसारी पर कई बार हमले हुए। मैंने पाकिस्तान में हमारे उच्चायुक्त से कहा कि वो हामिद अंसारी की मदद के लिए वकील करे और अस्पताल और जेल की रिपोर्ट ले। आम आदमी पार्टी ने जन लोकपाल आंदोलन में अरविंद केजरीवाल की सहयोगी रही किरण बेदी पर हमला बोला है। आपका आरोप है कि दिल्ली के उपराज्यपाल की तरह पुदुचेरी की उपराज्यपाल बेदी भी चुनी केंद्र के इशारे पर तानाशाही कर रही है। मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार संविधान और लोकतंत्र का खुलेआम मजाक बनाते हुए संघीय ढांचे को तहस नहस कर रहे हैं। पहले अरुणाचल प्रदेश फिर उत्तराखंड में केंद्र सरकार ने ऐसा किया था, वहीं दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। अब इसी तर्ज पर पुदुचेरी में भी ऐसा हो रहा है। किरण बेदी ऐसे सारे फैसले कर रही है जो एक चुने हुए सीएम का काम होता है। हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास जी महाराज ने कहा कि प्रभु राम जब चाहेंगे अयोध्या में उनका मंदिर बन जाएगा, हमें खून के दाग से बना राम मंदिर नहीं चाहिए। उन्होंने खुलासा किया कि बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाशिम अंसारी और हम आपस में बातचीत से अयोध्या विवाद के हल के लिए तैयार हो गए, लेकिन दुकान बंद हो जाने के डर से विश्व हिंदू परिषद ने इसे परवान नहीं चढ़ने दिया। अयोध्या में भजन संध्या स्थल के शिलान्यास समारोह में लखनऊ के कालिदास मार्ग स्थित सीएम निवास आए महंत ज्ञानदास ने विश्व हिंदू परिषद पर जमकर निशाना साधा। कहा कि राम मंदिर के नाम पर कुछ लोग देश भर में दुकान चला रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, साधु समाज इससे बर्दाश्त नहीं करेगा। तमाम सियासी उतार चढ़ाव केंद्र से खींचतान के बावजूद उत्तराखंड विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अर्थ और संख्या निदेशालय और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के ताजे आंकड़ों के मुताबिक राज्य के लोगों की सालाना आय में न सिर्फ भारी वृद्धि हुई है बल्कि आर्थिक विकास दर का ग्राफ भी तेजी से बढ़ चढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में जहां प्रति व्यक्ति सालाना आय 1,34,784 रुपए आकी गई थी, वही वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रति व्यक्ति आय 1,51,219 रुपए सालाना पहुंच गई है। शनिवार को राज्य सरकार ने आंकड़े जारी कर बताया कि आर्थिक विकास दर के मामले में उत्तराखंड ने न सिर्फ अच्छी खासी प्रगति की है बल्कि केंद्र को भी पीछे छोड़ दिया है। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।